हाय गाइस, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ फोम रोलर के बारे में। आपने ये इक्विपमेंट काफ़ी प्लेयर्स के पास, फिजियोथेरेपी सेंटर्स या फिर जिम में भी जरूर देखा होगा। आइए आज जानते हैं कैसे आप इसकी मदद से एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं। एक जो बहुत ध्यान रखने वाली बात है वो है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप कोई भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसका क्या बेनिफिट है एंड उसको किस तरीके से यूज़ करना है। अगर मैं फोम रोलर के बारे में बात करूं तो ये आपका रिकवरी में हेल्प करता है, साथ ही आपके मसल में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, साथ ही इससे आपके मसल में अगर कोई भी टाइटनेस या फिर स्टिफनेस है उसको ये रिलीज करता है। आप इसको वार्म अप एंड कूल डाउन में भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने काफ मसल को रोल करेंगे, तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो है रोलिंग ऑन काफ मसल। इसके लिए आप रोलर को सामने रखेंगे, हाथ आपके पीछे जाएंगे एंड अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे एंड फिर रोल करेंगे। आपको पैर से रोलर की तरफ प्रेशर बना के रखना है। इसी में आप पैर को हल्का इंटरनली रोटेट करके भी रोल कर सकते हैं एंड एक्सटर्नली भी रोटेट कर सकते हैं। एडिड प्रेशर के लिए और ज़्यादा उसमें प्रेशर देने के लिए आप अपोजिट लेग को रोलर वाले लेग के ऊपर रखेंगे एंड फिर रोल करेंगे इस तरीके से। किसी भी पार्ट को आपको रोल करना है उसको एटलीस्ट 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक जरूर रोल करें। इसके बाद हम जो दूसरी एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे शिन के लिए। काफ़ी लोगों को शिन स्प्लिंट्स होता है एंड जो रनर्स होते हैं उनको खासकर शिन में काफ़ी पेन होता है पूरे नहीं दिया, तो उसके लिए आपको रोलर को सामने रखना है एंड लीन फॉरवर्ड करके आपको जो नीज से थोड़ा सा नीचे रोलर के ऊपर आना है एंड आप हल्का आगे आएंगे एंड इस तरीके से रोल करेंगे इस तरीके से। इसको भी आपको एटलीस्ट 30 सेकंड के लिए रोल करना है। थर्ड एक्सरसाइज में हम अपने हैमस्ट्रिंग को रोल करेंगे। हैमस्ट्रिंग को रोल करने के लिए आपको रोलर को अपने हैमस्ट्रिंग के नीचे रखना है एंड हाथ आपके वैसे ही पीछे जाएंगे एंड अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे एंड यहाँ से फिर रोल करेंगे इस तरीके से। इसमें भी आप एक्स्ट्रा प्रेशर देने के लिए एक पैर ऊपर रख सकते हैं एंड फिर उसको रोल करें। इसमें भी हल्का आप एंगल चेंज कर सकते हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इसके बाद हम बात करते हैं आईटी बैंड का। आपका जो नी से लेके जो हिप जॉइंट है, आउटर थाई में जो मसल आता है, इसको आईटी बैंड बोलते हैं। तो इसको रोल करने के लिए आपको साइड में आना है, रोलर को नीचे रखेंगे एंड एक साइड आने के बाद पैर सीधा करेंगे एंड दूसरा जो आपका लेग है आगे आएगा एंड यहाँ से आप इस तरीके से रोल करेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम रोल करेंगे अपने क्वाड मसल्स को। क्वाड मसल रोल करने के लिए आप रोलर को सामने रखेंगे एंड आगे लीन फॉरवर्ड करके आगे आएंगे एंड यहाँ से पैर को स्ट्रेट करेंगे, ऊपर उठाएंगे एंड इस तरीके से रोल करेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम बात करेंगे अपनी एडेप्टर्स के बारे में, जिसको आप ग्रोइन भी बोलते हैं। इसके लिए आपको रोलर को साइड में रखना है एंड आप सामने लीन फॉरवर्ड करेंगे एंड जो आपकी थाई है जिसको भी आपको रोल करना है उसको रोलर के ऊपर रखेंगे एंड बाहर की तरफ जाएंगे इस तरीके से। इसको भी आपको अराउंड 30 सेकंड के लिए रोल करना है। अगली एक्सरसाइज हम करेंगे अपनी ग्लूट्स के लिए। तो ग्लूट्स को रोल करने के लिए आपको एक जो जरूरी चीज़ ध्यान रखनी है, आपको रोलर के ऊपर बैठना है एंड जिस भी पार्ट को आपको, जिस भी साइड आपको रोल करना है, आप उस तरफ हल्का टिल्ट हो जाएंगे एंड उसी पैर की लेग आपको उठा के दूसरे पैर के ऊपर रख देंगे एंड आप फिर रोल कर देंगे इस तरीके से। ये आपको डीप रोल पहुँचाएगा एंड आपकी जो भी मसल टाइटनेस है, स्टिफनेस है ग्लूट्स में, वो रिलीज होगी। आप इन एक्सरसाइज को एटलीस्ट, जैसे मैंने बताया, 30 सेकंड्स तो कम से कम रोल करें एंड इसको आप 1 मिनट तक ले जा सकते हैं। वीक में अराउंड 3 से 4 बार आप इसको जरूर रोल करें। अभी भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे लिख के जरूर बताएं एंड अपने सुझाव जरूर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।